Sunny and I believe in love. अगर आपको अपनी आंख बंद करके एक अंदाजा लगाना हो कि यार इन सब में से अगर मेरा कोई आइडल मैच है तो कौन है, चाहे उसका कोई और कनेक्शन हो या ना हो, वो एक नाम सोच लो, आंखें बंद करो और सोच लो, थिंक हार्ड। कुछ लड़कियां तो शर्मा भी रही हैं। All right, can we have the cue cards, please? All right, open your eyes. Write that name on the cue card. Oh, Priyam, bata. You're having fun today, huh? मजे आ गया. क्यों? I don't know if I should have been honest. That's okay. Pri, even I know. Yeah. You know? It's not the one you think I know. It's the one that you think I don't know. So, मैं पूछ के आता हूँ। Okay. I want to know कि ये chosen ones कितने chosen ones हैं। मुझे भी लग रहा है। मुझे भी लग रहा है। Wow, is it that obvious? Oh God. क्या है जी? It's just something that you feel, Jino. Yeah, but she's. नहीं मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मुझे नहीं बताया था। नहीं बताया तो मैंने किसी को नहीं था। नहीं but obviously मुझे तो पता होना चाहिए ना जिससे उनको पता चला। हाँ तो तुम्हारे एंटीना इतने तगड़े नहीं है उसमें हमारी क्या गलती है? How does it feel? Another woman has your name on her cue card. इतना मैंने कभी देखा नहीं लोगों को ब्लश करते हुए। I'm not blushing. प्रियम बता। So, can I say something? Yes, you may. I'm being very fair right now. कल रात तक भी दोनों रात में बैठ के बेड पे पूरे दिन बातचीत करते हैं, and they do cuddle, they do all of that lovey-dovey stuff. ये तो गेम प्लान हो गया सर, यहाँ तो बिल्कुल ही आप मुझे बोलते हो आई एम फ्लिपिंग, बट आई थिंक यू आर फ्लिपिंग द पर्सन हु यू लाइक द मोस्ट एंड ही क्राइड फॉर हर। तो ऐसे रोना वगैरह तो नहीं चाहिए था मेरे लिए, बट भव्या रिसेंटली द थिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग बिटवीन द बोथ ऑफ देम, और गाय क्राइंग इज टू मच। कैन आई से, हां अब आपने अपना पॉइंट बोल दिया। फर्स्टली जो भी हमारे के बीच में चीजें हुई वो एक्चुअली में जेन्युइन थी। मैं रोया बिकॉज मेरे को फर्क पड़ा था उस टाइम पे, एंड एज यू सेड सम गाइस सॉरी लड़की रोते नहीं है, बट आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। इफ यू वर सो अटैच्ड टू मी, अगर इतना मेरे लिए रोने आ रहा है एंड ऑल दैट, तो ये बात तो मतलब मुझे सिर्फ पता ही होनी चाहिए थी। वन मिनट प्री, दैट डे व्हेन शी केम ओरेकल पे आके जो उन्होंने बोला था श्रेय के बारे में, तभी भी आपने श्रेय को बोला नहीं था रूम में ना, इधर आके बोले आप, तो आज ऐसे ही श्री ने इधर आके बोले आपको, रूमी ने बताया सेम थिंग। जब कोई कहीं का राजा होता है, जब उसको कोई चैलेंज करता है ना, दोबारा प्रूफ करके जब वो दोबारा बैठता है पावर डबल हो जाती है। आज आप एक नहीं दो स्प्लिट्स विलन्स को डंप करने वाले हो, one boy and one girl. I
I hope you're a man of your words. My sir to you too. आज जब मैं रूम में थी तब भी अंकुश से आप बात कर रहे थे. यू डिडंट नो दैट आई वाज इन द रूम टू एंड यू आल्सो सेड कि आना इज़ नोवेयर द टारगेट एंड एवरीथिंग. आई रियली होप यू मेंट दैट. आल्सो फॉर पीयूष, आई नो आशीष इज़ अ फाइटर एंड ही लाइक्स कॉम्पिटिशन. प्लीज डोंट. आई वांट यू नॉट टू डम पीयूष टू. प्लीज डोंट. पीयूष शी डिडन लाइक दैट. क्यों? मैं तो जो करना है तो वो कर. सिंपल. तेरा जो आता है मन में तो वो कर. Can we have the cue cards, please? पहले ये बता दो कि आप किस एक लड़की को डंप करना चाहते हो और क्यों. आना जाना. लास्ट टाइम भी जब मैंने उनको सेव किया तभी भी उन्होंने मुझे पिच नहीं किया था. तो आई जस्ट फील कि थोड़ा ईगो. विला में वापस जाके आई केम टू यू एंड आई हग्ड यू. या बिकॉज अंकुश ने बोला आपसे. क्योंकि नहीं, अंकुश ने मेरे को नहीं बोला. एंड आई वाज इवन सेविंग यू. आई वाज इवन सेविंग यू क्योंकि अंकुश हमेशा आपके लिए पिच करते थे हमेशा. और आज व्हेन ही इज कॉल मी हिज सिस्टर, सो आई एम गोना बी अ गुड सिस्टर टू हिम. Bhavya, you're really enjoying this. आप काफी खुश लग रही हैं. Yes, sir. Why not? Jumping ground में अब तक नाम किसने लिखा नहीं है. इन्होंने लिखा है, जो कि बिल्कुल ही ज़्यादा unfair है. मेरा नाम लिखती हो to eliminate me. अभी तो चुप बैठो निकल. चुप बैठ. चुप बैठ. जब एक सेकंड रुक जाओ यार. स्टैंडर्ड तो है नहीं तेरा. कपड़े उठा के फेंक सकते हैं, बॉडी के लिए बोल सकते हैं. तेरा स्टैंडर्ड क्या है? तू एक लड़के के साथ रहती है. कौन से? तू यहाँ पे कितने चेंज करेगी? जिसको जो मैं लाइक करती हूँ तो उसको लेके चले जाती है. हां तेरे कितने चेंज हुए? पहले इसने के ले गई, मेरे से ले गई. तू यही करती है? ये क्या चल रही है? तू के सारे तेरे मेरे पास आ जाते हैं. बहुत खुश हूँ. चुपचाप निकल. Good for you. Expected था पीयूष. हाँ सर, वो तो हमेशा होता है मुझे. वहाँ से मेरा फिक्स था. Somewhere. Expected था कि आज मैं और पीयूष ही घर जाएंगे. जाने से पहले कुछ कहना चाहते हो पीयूष? सर यही बोलूँगा कि अल्फेज भाई स्ट्रॉन्ग रही हो. तू जीत सकता है ऐसा मुझे तो लगता है. See you guys. Alright guys, I think the Oracle wants to say something. आप दोनों को chosen ones ने dump किया है, लेकिन जो आप दोनों के choice है, अगर वो आपके ideal match है तो आप safe हो जाओगे, नहीं तो आप दोनों को स्प्लिट्स विला छोड़कर जाना होगा. अगर आपने आज अपनी चॉइस पे उस इंसान का नाम लिखा है जिसके साथ आप एक्चुअली आइडल मैच हैं,
तो आप कहीं नहीं जाएंगे. बट इफ यू आर नॉट एन आइडियल मैच विद दैट पर्सन देन यू विल हैव टू गो. पीयूष, आपने किसका नाम लिखा था? आना. आना, आपने किसका? संभव. आप और संभव एक आइडल मैच नहीं है. तो अगर वो और आप आइडल मैच बन गए तो आप बच जाएंगे, और अगर नहीं बने देन देयर इज नथिंग That's going to save you guys. Anna and Piyush, please come take the walk to the Oracle. And Pucho, kya hum ek ideal match hai? Mere mind mein itne thoughts the ki अगर हम ना बने तो क्या होगा. और हमने फिंगर्स क्रॉस कर रखी थी, एक दूसरे का हाथ इतना टाइटली पकड़ रखा था, क्योंकि हम दोनों बहुत चाहते थे कि हम एक आइडल मैच बन जाए. ओरेकल, क्या हम एक आइडल मैच हैं? Oracle के कैलकुलेशंस के अनुसार आप दोनों एक आइडियल मैच हो. कैसा लग रहा है अभी वहां पर बैठकर? बहुत अच्छा सर. कितने लोग खुश है, कितने लोग खुश नहीं है? भव्या सर बहुत खुश है, राइट? सर पीयूष ने बोला मैं खुश नहीं हूँ, एंड आई थिंक बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन पढ़ लिया उन्होंने मेरे. बट मैं पीयूष के लिए आई हैव नो प्रॉब्लम, बट आना आई डोंट थिंक शी इज डिजर्विंग इनफ टू सिट देयर. इन्होंने आज तक एक टास्क परफॉर्म नहीं किया होगा. तुमको एक ही चीज आती है, तुमको एक ही चीज आती है. यार आई एम वेरी यहां पे मूड मत खराब कर. जैसे यहां पे बैठ जाती हो तुम वही कर रही हो. एंड सर वन मोर थिंग, आई थिंक आइडियल मैचेस हैव नो कंपटीशन बिकॉज़ इट चोजन वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट. बोलती रहे मैं यहां अगेंस्ट यू. आई डोंट वांट टू टॉक टू. यही वो लोग हैं जिसको आप डंप करना चाहते हैं. अब वो सेफ हो गए, अगली बार भी आप इनको डंप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आइडल मैच है. आज ओरेकल की वजह से बच गया, अगली बार नहीं बचेगा. एक टास्क ऐसा आएगा जिसमें आमने सामने खड़े होंगे, नॉकआउट करना होगा, इसको चुटकी में उड़ा दूंगा. इतने टाइम से, सिंस डे वन इनफैक्ट, जब से हमने किसी को कोई लड़के को देखा भी पता है, तब से यू आर विथ मी. Are you getting this thing? I do. हाँ, तो इतने टाइम में तुझे एक बार तो दिमाग में आ रहेगा ना PM वाला के बारे में, इसलिए आज लिखा ना. अरे बस एक मोमेंट के लिए था यार वो. आया था ना. It was just for a second, but it wasn't. अरे तो आया था तो उसकी वजह से आज जो क्वेश्चन पूछा तो उस you were being honest ना. उसको ये नहीं दिख रहा है कि उसने, अगर वो ऑनेस्ट था, अगर उसने सच बोला है तो मतलब कहीं ना कहीं उसको प्रियंवदा के लिए था ना. तो मैं कैसे उसके साथ फिर भी रहूं ये जानने के बाद कि उसको भी प्रियंवदा पसंद है और प्रियंवदा को भी वो ही पसंद है. Is it wrong to write your true feelings? No, because like Tina, me and Tia, she knows that I'm coming here. I never wanted to tell her, yeah. Like, I never wanted anyone. You know, if I tell you something honestly, अगर वो सच में अच्छी दोस्त रहती ना, तो उसको पता रहता.
Because I knew it. अरे अल्फेज एंड ये भी दे उसे न्यू इट. हम सबको लगा, चार बंदों को लगा, आंसर करे मुझे भी लगा. And she was really your true friend. She knew about it. बोली यार. Even Shrey is feeling bad now. But even Shrey wrote your name. हाँ पर वो फिर I don't know. Obviously वो. Truth दिख गया ना प्रियम. तेरे को truth दिख गया ना. मैंने कर तो लिया वो जो मुझे नहीं करना चाहिए था शायद, पर करने के बाद मुझे बहुत सुकून मिल रहा था और मैं बहुत खुश थी, बहुत रिलीव फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था. So I'm excited कि मेरा और प्रियम उदा का कनेक्शन बना है और एक्चुअली ये कनेक्शन, दिस कनेक्शन कुड टर्न इनटू समथिंग मच मोर. तो मैं एक्साइटेड हूँ कि ये कनेक्शन कहाँ आगे जाएगा देखने के लिए.